सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अलग अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी के कई वाहन बरामद। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। थाना मंडी पुलिस ने एक वाहन चोर गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई। थाना फतेहपुर पुलिस ने 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए, जिनके कब्जे से 2 कार एवं 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई। जी हाँ, फतेहपुर पुलिस ने बहुत ही अच्छा गैंग, ये इंटरस्टेट व्हीकल थेफ्ट गैंग है जो ऑपरेट कर रहा था विभिन्न जिलों में। ये दिल्ली से मोटरसाइकिल और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ वहाँ से चोरी होती थी और उत्तर प्रदेश के माध्यम से उत्तराखंड पहुँचती थी। उस गैंग का बहुत ही अच्छी तरह से खुलासा किया गया है। इसमें ये छात्र गैंग नंबर प्लेट बदलता था, एक फर्जी RC बनाता था, चेसिस नंबर भी बदल देता था। ये सब बना के ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के काशीपुर और दूसरे जिलों में, सहारनपुर जिलों में बेचा करता था। OLX ऑनलाइन माध्यम से ही बेचता था, आसपास बात करके, स्पेयर पार्ट वाली दुकानों से बात करके भी ये बेची जाती थी। इसमें जो मूल रूप से दो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, उसमें से एक आसिफ है और एक अजीम है। ये दोनों थाना रानीपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं और इसमें जो दो सरगना हैं, एक राजा जो ऑलरेडी जेल में है हरिद्वार ज़िले में, और दूसरा है एक सुमित बंसल, वो वांछित हैं, उसको भी बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है इसमें, पहले भी कोई किया होगा? जी हाँ, जो दो सरगना के बारे में आपको मैंने बताया, सुमित बंसल और राजा, इन दोनों के बहुत ही लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। सुमित बंसल मुजफ्फरनगर जिले से गैंगस्टर में भी जेल में जा चुका है, उसको पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं, बहुत ही जल्दी उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। इनाम भी देंगे? जी हाँ, इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर की तरफ से इनको 25,000 रुपये इनाम दिए गए हैं। गिरफ्तारी टीम को की तरफ से इनको 25,000 रुपये इनाम दिए गए हैं। गिरफ्तारी टीम को देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।